इतना समय निकाल चुका है कि अब वो आपे से भी बाहर हो रहा है। जगह जगह प्रदर्शन भी हो जाते हैं कि भाई पेमेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं सुनने में कि हो सकता है कि अप्रैल मई के बाद मतलब पेमेंट कुछ स्टार्ट हों। अब लेकिन वो किस तरीके से स्टार्ट होंगे तो ये तो आने वाले समय पर ही मालूम हो पाएगा। क्योंकि ये जो सारा और सेबी की जो एक मतलब प्रोसेस जो चल रही है वो करीब आज अगर उसको देखते हैं तो करीब 7 साल हो चुके हैं और ये प्रोसेस वैसे ही की वैसे चली आ रही है। इस पर अभी भी कोई पूर्ण विराम नहीं लगा है कि पेमेंट किस तरीके से होंगे। लोगों का कहना है कि भैया उनका केवल पेमेंट ही मिल जाए या जो उनका प्रिंसिपल जमा है, जबकि सारा का कहना है कि आपका प्रिंसिपल के साथ साथ हम आपका इंटरेस्ट भी आपको पे करेंगे और जितना भी डिले हो रहा है उसका भी हम आपको एक इंटरेस्ट पे करेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि सारा ने हमारा पेमेंट रख के अपना काम किया और हमको केवल प्रिंसिपल थमा दिया। तो अभी भी ये चीज़ थोड़ी सी बात धैर्य रखने वाली और है कि भाई पेमेंट किस तरीके से होंगे। तो अभी तो ये कहीं से भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से पेमेंट चालू होंगे तो उस तरीके की चीज़ें आपके सामने, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो चाहे न्यूज़ के चैनल के थ्रू हो, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी। और इस कड़ी में अगर मेरे को कोई भी नई जानकारी अगर मिलती है पेमेंट के थ्रू तो मैं आपके सामने एक बार फिर से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए आप धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सहारा इंडिया परिवार के सिलसिले में और सहारा इंडिया परिवार की जो चल रही क्राइसिस सेबी के साथ, यानी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, और जो उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सहारा इंडिया परिवार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सुब्रत सारा जी यहाँ पे मेन हेड हैं और यहाँ पे वर्किंग स्टाफ भी और चेयरमैन भी हैं। अगर हम बात करते हैं सहारा इंडिया परिवार में बहुत सारे लोगों का जो पैसा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टर्स का जो है पैसा इन्वेस्टमेंट है, वो सहारा इंडिया परिवार और सेबी के बीच में जो क्राइसिस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद ही उनको जो है मिल पाएगा। लेकिन सेबी का कहना यह है कि जो आप जो लोग सेबी से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं सहारा इंडिया परिवार के रिफंड के लिए, और सेबी को वो ओरिजिनल बॉन्ड उनको दिखाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को कि वो उन्होंने जो है पैसा जो है सहारा इंडिया परिवार में सबमिट किया है। सहारा इंडिया परिवार ने सेबी को तो वैसे 22,000 करोड़ रुपये दे रखे हैं, इसमें से सेबी जो है 107 करोड़ रुपये को ही अब तक इन्वेस्टर्स को दे पाया है। सहारा इंडिया परिवार के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका लोगों का इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं और एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करते हैं और सहारा इंडिया परिवार की ट्रस्ट ग्रोस अनकंडीशनली के बारे में बात करते हैं। सहारा इंडिया परिवार ने बहुत सारे लोगों ने जो है भरोसे के नाम पर बहुत सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से बहुत सारे लोगों को पैसा मिला भी है। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्लेम किया कि हमारा जो है पैसा नहीं मिला हमें, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जिन लोगों के पास सहारा इंडिया परिवार के फिक्स डिपॉजिट या जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके जो ओरिजिनल बॉन्ड से, तो वो सेबी के साइट पे जा करके लॉगिन सेबी साइट पे जा करके जो है उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सेबी के पास जा करके बात भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सहारा हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ के सिलसिले में, यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ और साथ साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन निरंतर रूप से मिलती है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार ये हॉस्पिटल है जो कि हॉस्पिटलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेल डेवलप्ड मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है, जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स और यहाँ पे एक्सपर्टाइज मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये सहारा का सहारा इंडिया परिवार का जो है सबसे बेस्ट अचीवमेंट है सहारा हॉस्पिटल, जहाँ पे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स के द्वारा जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट्स को। ये
लखनऊ में स्थित है और इसकी जो अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो फिनिशिंग है, यहाँ की साफ़ सफाई है, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, जिसे कार्यकर्ता बोलते हैं, वो सब यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट हैं। सारण्य परिवार में सुब्रत राय सारा जी ने इस हॉस्पिटल को जो है बनाया है। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश की शान बन सके ये हॉस्पिटल, और हर प्रकार से जो है हेल्थ केयर, जो जितनी भी प्रकार की हेल्थ केयर है वो सारी प्रोवाइड यहाँ पे हो सके। उन्होंने जो है यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को तो रखा ही है, साथ साथ यहाँ पे जो है इन्होंने 24/7 बेस्ट सर्विस स्टाफ को भी यहाँ पे रखा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टाफ में, तो यहाँ पे स्टाफ के साथ साथ जो है यहाँ पे रुकने का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। सारा इंडिया परिवार का जो ये हॉस्पिटल है, सारा हॉस्पिटल, वो बहुत ही ज़्यादा नामी है और लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी कंडीशन आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, साथ साथ उनको जो है पेशेंट्स के लिए यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है मशीन्स यहाँ पे रखी गई हैं, जिससे कि पेशेंट्स जल्दी जो है रिकवर हो सके। फिर हम बात करते हैं सारा हॉस्पिटल क्यों इतना फेमस है। तो सारा इंडिया परिवार आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी है, लगभग 40 साल हो चुके हैं सारा इंडिया परिवार के, और बहुत ही ज़्यादा आगे इन्होंने डेवलपमेंट किया है और ग्रोथ किया है, और वर्किंग एम्प्लॉयज़ में भी बहुत ही ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉयज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है, और इनका जो मेन मोटिवेटस्ट ग्रोथ अनकंडीशनली, तो ये हॉस्पिटल पे भी इन्होंने लागू किया है। इन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी है, इतने एक्सपर्ट डॉक्टर दिए हैं इस हॉस्पिटल में, जो पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है और पेशेंट्स को जल्दी रिकवर कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत ही फास्ट है, यहाँ जो वर्किंग है यहाँ की सारा इंडिया परिवार के हॉस्पिटल की, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट टीम के साथ बहुत ही फास्ट रहती है, जिससे जल्दी लोगों को जो है ट्रीटमेंट में उनको आराम मिल पाता है। और सारा हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हर प्रकार का सेक्शन है, या चाहे वो ओपीडी सेक्शन हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल केयर सेक्टर हो, तो यहाँ पे हर प्रकार का जो है आपको फैसिलिटीज अवेलेबल मिलती है जो पेशेंट से रिलेटेड है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज इन्फो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन निरंतर रूप से मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।